महाराज की जय हो। मंत्री समस्त प्रजा में सुख और शांति सुख व्यवस्थित तो है। नरेंद्र की जय। प्रजा के हृदय में सुख शांति तथा आपके सुव्यवस्था का एक छत्र राज्य है। बहुत अच्छा मंत्री जी। जय हो। जय हो। कहो द्वारपाल, क्या समाचार लाए हो? महाराज श्रवण कुमार आपके दर्शन हेतु आया है। यदि आज्ञा हो तो मैं उन्हें अंदर ले आऊं। अवश्य। मैं ऐसे मात्र पुत्र भक्तों को देख करके बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करता हूं। जाओ द्वारपाल, श्रवण कुमार को आदर सहित अंदर ले आओ। जो आज्ञा महाराज। कहो श्रवण, आपके माता पिता कुशल से तो है ना? महाराज की राजधानी में हमें क्या कष्ट हो सकता है महाराज? किंतु। हाँ हाँ कहो, किंतु क्या? निसंकोच होकर के कहो। हे देव, मेरे माता पिता तीर्थ यात्रा हेतु कह रहे हैं, इस हेतु आपकी आज्ञा चाहते हैं महाराज। मुझे बहुत खुशी है तुम्हें रथ हाथी घोड़ी तथा जो भी सामग्री की आवश्यकता हो सो ले सकते हो। तुम जैसे माता पितृभक्त मैं अपना राज मुकुट भेज देता हूं। मैं धन्य हो गया राजन। केवल
आप मुझे तीर्थाटन की आज्ञा दे रहे हैं, सिद्धार्थ कीजिए। अन्य वस्तुएं जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी तो सेवा आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएगा। अच्छा श्रवण, जाओ, सूर्यदेव आपकी यात्रा को सफल करे। अच्छा महाराज, प्रणाम। दीर्घायु हो। जी महाराज, आज शिकार खेलने का मन कर रहा है। बहुत अच्छा महाराज, तो आप सभी सामग्रियों की व्यवस्था कीजिए। बहुत अच्छा महाराज। और तुम भी साथ चलने की तैयारी करो। बहुत अच्छा महाराज। बस आपके सामने आने वाला है। जब तक जिए माता पिता सेवा न की माँ बाप की, जब तक जिए माता पिता सेवा न की माँ बाप की, तर्पण किया हरिद्वार में तर्पण किया समीप होगा। अभी जाता हूं पिताजी, आप चिंता ना करें, मैं अभी जल की तलाश करता हूं।
और आपके लिए शीघ्र जल लेकर आता हूँ। बेटा सर्वर, जल्दी ही जल लेकर आना भी। माता जी आप चिंता न करें, मैं अभी पिताजी और आपके लिए जल लेकर आता हूँ। जाओ बेटा, शीघ्र जल लेकर आओ। जी महाराज, मृग तृष्णा का यही समय है, हमें सतर्क रहना चाहिए ताकि शिकार भाग न पाए। अति उत्तम है विचार। सुनिए, इस ओर से कोई स्वर सुनाई दे रहे हैं। हाँ सेनापति जी, हमें इसी ओर चलना चाहिए। बहुत अच्छा, माता पिता का सामना छीन लिया। कौन माता से पिता से माता से पिता से
माता श्री पिता श्री तेरा क्या बिगाड़ा तीरे सीने में क्यों तूने मारा मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा तीरे सीने में क्यों तूने मारा तेरा पिताजी पेड़ के नीचे चल के त्रास पेड़ के नीचे चल के त्रास माता पिता मेरे पास माता पिता मेरे प्यास टीका मेरे ही मनमोहुष माथे पर लिखा था यह मुझे कौन से पापों की सजा मिल रही है सर्वण
संसार को मातृ पितृ भक्ति की सेवा सिखाने वाले उज्जवल रत्न उठो, मुझे क्षमा करो श्रवण, मैंने ही अज्ञानतावश यह अपराध किया है। भगवान आप ही अपने दंड से मेरे प्राणों का अंत कीजिए, मैं ही श्रवण का अपराधी हूं। जो हो कुछ भी दिया बात जो लिखा था वह तो पूर्ण हो गया, आप दुखी न हो महाराज, इतना दीजिए यहाँ से कुछ दूरी पर मेरे माता पिता प्यास से बैठे केवल पा लीजिए कि उन्हें पिला दीजिए, पीड़ा हो रही है इस बाण को निकाल दीजिए और शीघ्र ही चल करके मेरे माता पिता पिला दीजिए। पिताजी माता जी जब श्रवण अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करवा कर लाएगा तो ऐसे पुत्र रत्न को धूमधाम से हाथी पर बिठा करके नगर के बाजारों में भ्रमण करवाता और उनके हाथों से दान पुण्य करवाता, किंतु सब घराया घराया धूल में मिल गया। आज दशरथ रक्षक होने पर भी भक्षक बन गया। हे भगवान कुछ उपाय करो भगवान, जिससे मेरा उद्धार हो। यह मार्मिक करुण स्वर कौन श्रवण को पुकार रहा है? संभवतः उसके माता पिता प्यास से व्याकुल हो गए और अपने पुत्र श्रवण को पुकार रहे होंगे। उचित यही होगा कि श्रवण के माता पिता को जल पिला दिया जाए। सेनापति तुम यहीं पर ठहरो, मैं श्रवण के माता पिता को जल पिलाकर आता हूं।